मेरा नाम है आशु और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे प्रॉपर्टी में। आज हम आए हैं इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 2 में आपके लिए 2 BHK का फ्लैट लेके। यहाँ पे पार्किंग है, स्टेयर है, लिफ्ट नहीं है इसमें। तो हम चलते हैं आपको 2 BHK के फ्लैट में, एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही हम आते हैं आपके लिविंग एरिया में, जिसकी साइज है आपकी बहुत काफ़ी स्पेशियस है। और सामने आपका एक हमने पेंटिंग दे रखी है, देखिए। और सामने आपका किचन बहुत ही प्यारा लुक, एक सेपरेट अलग किचन दे रखे हैं। और इसकी फॉल सीलिंग का भी काम हो चुका है, झूमर पंखे, LED लाइट, सारी चीज़ें लग चुकी है, रेडी टू मूव फ्लैट है। इंदिरापुरम ज्ञानखंड 2 में हैं हम लोग। और ये है, हम अभी खड़े हैं आपके लिविंग एरिया में, जो कि बहुत ही शानदार लुक भर के आएगा। आप जैसे ही फ्लैट में एंट्री करते हैं तो लिविंग एरिया, सामने आपका किचन काफ़ी स्पेशल लंबा है किचन, और बिल्कुल मॉड्यूलर किचन है। चिमनी लगवा के आपको देंगे हम चिमनी, और यहाँ पे हमने RO का पॉइंट ए छोड़ रखा है, बाकी सारी फिटिंग इसमें हमने करा रखी है। आप RO यहाँ पे लगवा सकते हो, एग्जॉस्ट चिमनी का एग्जॉस्ट तो साइड से निकल गया है। सिंक को मॉड्यूलर किचन बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग तरीके से फिनिश मोड में एकदम बिल्कुल अच्छे से आराम से, किचन का स्पेस इतना है कि आराम से 3 से 4 लोग खड़े होके आपका किचन में खाना वाना बना सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। काफी स्पेस है, इस चीज का हमने काफी फ्लैट में ध्यान रखा है आपके लिए। और व्हाइट का बिल्कुल मस्त कॉम्बिनेशन है, इसमें पंखे भी क्रॉम्पटन के लगवा रखे हैं हमने, और लाइट वाइट सारा काम। और हम चलते हैं मास्टर बेडरूम कमरा नंबर 1 में। ये है आप हमारा कमरा नंबर 1, यहाँ से एंट्री हम करते हैं कमरा नंबर 1। ये है फ्लैट है बैक का, इसलिए हमने यहाँ पे दे रखी है आपकी जैसे बालकनी होगी, स्टोर रूम जैसे आप कुछ कर लो, स्टोर जैसे स्टोर रूम में एक छोटा सा हमने इसमें दे रखा है। इस फ्लैट, इस कमरे के लिए स्टोर रूम आप जैसा यूज कर सकते हैं कर लो। ये सामने आपका विंडो AC आ जाएगा, यही हम पीछे आपका सॉफ्ट वेंटिलेशन के लिए विंडो AC आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। यहाँ पे ये हमने दे रखी है अलमीरा, ये हमने करवा रखा है आपके लिए टेक्सचर पेंट, बहुत ही सिल्वर कलर का, बहुत ही प्यारा लुक है इसका। लैंप वैंप सारे काम इसमें हो चुके हैं, फॉल सीलिंग का भी काम इसमें हो चुका है। व्हाइट पेंट का काम हमने व्हाइट और सिल्वर कलर का कराया है, जो कि बहुत ही शानदार फिनिशिंग आती है। कमरे का भी साइज आपको मैं बता दूं तो 12x9 का है। आप यहाँ से बेड डाल दीजिए, आराम से आपका बेड आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सामने मुश्किल से 500 मीटर आगे जाएंगे तो मेन रोड पर जाएंगे, वहाँ से आपको ऑटो शेयरिंग, ऑटो ई रिक्शा सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ये है आपका कॉमन वाशरूम का भी सारा काम हो चुका है, सीट भी लग चुकी है। सुपर वी के हमने इंदिरापुरम में हमारा जो भी काम चलता है सैनिटरी में, सुपर वी का ज़्यादातर हम यूज करते हैं आपके लिए। 7 फीट की टाइल्स इसमें भी लगी है, इसका भी फुल सीलिंग काम हो चुका है। ये हमने गीजर का पॉइंट दे रखा है, सीट भी वेस्टर्न लग चुकी है इसमें। ये है आपका वॉश बेसिन भी यहाँ पर हमने लगवा रखा है, और एग्जॉस्ट भी इसमें लगी हुई है। और नीचे का भी फ्लोर भी, वॉशरूम का बात करें तो बहुत ही शानदार प्यारा लुक उभर के आ रहा है इसमें। अब हम चलते हैं यहाँ से दूसरे मास्टर बेडरूम में, इसका भी साइज आपका है 12x9 का, इसका भी साइज है। इसमें हमने दे रखा है हल्का गोल्डन कलर का टेक्सचर पेंट। सामने आपका ये रहा अलमीरा, जो कि काफ़ी है 2 BHK में, ज़्यादातर लोग आते हैं जिनके कपड़े आएंगे, क्लोथ जितने आएंगे उसे इसमें आप यूजुअली आ जाएंगे। सामने हमने एक बहुत ही बड़ा मिरर दे रखा है, जो कि काफ़ी है आपकी आपके लिए, एक मिरर का काम करेगा, एक्स्ट्रा मिरर आपको लगवाना नहीं पड़ेगा। और एक हमने पेंटिंग हर कमरे में और हॉल में दे रखी है आपके लिए। फॉल सीलिंग का काम इसमें भी हो चुका है, पंखे लाइट सारे काम बिल्कुल हो चुके हैं। मास्टर बेडरूम में इसके साथ हमने अटैच बाथरूम भी दे रखा है, इसकी भी काम पूरी हो चुकी है। सीट दोनों में वेस्टर्न सीट लगी है, एल्पिन की सीट लगी है हमने यहाँ पे, बिल्कुल मतलब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कोई कमी नहीं हुई है, पूरी हमने प्रॉपर तरीके से देख के सारी चीज़ें लगवाई हुई है। सैनिटरी का भी काम पूरा हो चुका है, फ्लैट बिल्कुल रेडी टू मूव है। बाइक का फ्लैट है इसलिए हमें यहाँ पे आपको वॉशिंग पॉइंट भी दे रखे हैं।
यहाँ पे आप अपना वाशिंग पॉइंट दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना वाशिंग करिए यहाँ पे। और वेंटिलेशन के लिए तो है ही यहाँ पे, इस कमरे का विंडो एसी हमने यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रेंड अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और कमेंट में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।